और अब रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों का। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 3 किसानों ने की खुदकुशी। होशंगाबाद, सीहोर और विदिशा में किसानों ने दी जान। मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने सीएम शिवराज बुधवार को मंदसौर जा सकते हैं। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मंदसौर में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया 14 जून से 72 घंटे के सत्याग्रह पर। 6 लोगों की मौत का कोई जिम्मेदार है ये सरकार नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को रतलाम के डोडर में रोकने की तैयारी। मंदसौर जा रहे पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को नीमच में किया गया गिरफ्तार। जबलपुर में कांग्रेस नेता सचिन यादव का भड़काऊ बयान, कहा मंडी में लगाओ आग। मध्य प्रदेश में केरेरा की कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक पर किसानों को भड़काने का केस दर्ज। हरियाणा पहुंचे किसान आंदोलन की आग, आज से हरियाणा में शुरू होगा किसान आंदोलन। 15 जून तक हरियाणा के जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरना देंगे किसान। 16 जून को नेशनल हाईवे करेंगे जाम। निजी बसों के लाइसेंस रद्द करने की मांग को लेकर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने किया चक्का जाम। हड़ताल की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी। भारतीय किसान संघ ने 15 जून से राजस्थान के संभाग मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने की दी धमकी। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद का असर सिलीगुड़ी और कालिम्पोंग में भी नजर आया। आईबी ने दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, गुजरात, हरियाणा में आतंकी हमले की आशंका जताई। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी आत्मघाती हमला कर सकते हैं। देश के कई बड़े शहरों में जो आईबी है उसने एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी करा है। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, जम्मू के पुंछ में पाक ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पाक गोलाबारी में कई घरों के नुकसान पहुंचा है, सेना का एक जवान भी इसमें घायल हुआ है। पाकिस्तान की इस गोलाबारी का भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कश्मीर के त्राल इलाके में सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन पर आतंकी हमला, 2 जवान घायल। जम्मू के पुंछ में भारतीय सैनिकों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद हथियार छोड़कर भागे आतंकी, सेना ने आतंकियों के हथियार किए जब्त। जम्मू कश्मीर के पंपोर में चोरों ने एक एटीएम से पैसे लूट लिए। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में एक मॉडल की संदिग्ध हालत में मौत, मॉडल कृतिका की लाश 4 दिन से कमरे में थी बंद। पुलिस ने कृतिका का मोबाइल और आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज की जब्त। एक महिला की बॉडी मिली है और हम लोग उसमें पूरी छानबीन कर रहे हैं। पंजाब के 3 गैंगस्टर्स ने हरियाणा के सिरसा में खुद को मारी गोली की खुदकुशी। सुबह करीब 5 बजे हरियाणा और पंजाब पुलिस की घेराबंदी के बाद 3 गैंगस्टर्स ने खुद को गोली मार दी। शादी के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने की तैयारी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। गुजरात के छोटा उदयपुर में अखिलेश यादव की फोटो वाले स्कूल बैग मिलने से हड़कंप। गुजरात के अमरेली में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की सभा में एक युवक ने उन पर फेंकी चूड़ियां। चूड़ियां फेंकने के बाद युवक ने किसान के कर्ज माफ करने के नारे भी लगाए, आरोपी केतन को गिरफ्तार कर लिया गया। वो स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत है, पुरुषों को मुझ पर अटैक करने के लिए भेजना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आरोपी केतन को छुड़वाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर किया धरना। बीजेपी विधायक राजपुरोहित ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का नाम बदलने की मांग। विवाद के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के घर पर तैनात 5 डॉक्टर्स और एम्बुलेंस को हटाया गया। संस्कारी बहू के बयान पर घिरी लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने दी सफाई, कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लालू यादव ने कहा कि संस्कारी बहू का मतलब मजबूत इच्छा शक्ति, सबका ध्यान रखने वाली महिला से है। भारत का भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यार्पण के मुद्दे पर आज फिर होगी सुनवाई। मुंबई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, लोगों को हो रही है परेशानी। महाराष्ट्र के जालना में पेट्रोल के टैंकर में भीषण आग लगने से एक की मौत, एक जख्मी। बिहार के मोतिहारी में हेनरी बाजार में लगी आग, 10 लाख के नुकसान की आशंका।
गुजरात के वलसाड़ में ट्रक से टकराने के बाद कार में लगी आग, कार चालक की जलकर मौत। फतेहपुर के गाजीपुर गांव में आग लगने से आधा दर्जन मकान जलकर खाक। महाराष्ट्र के जालना में बिजली गिरने से दो महिलाओं की मौत, दोनों महिलाएं खेत में कर रही थी काम। कर्नाटक के रायचूर में नगरपालिका के दफ्तर में महिला कर्मचारी को मारते हुए वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा के पानीपत में निर्माणाधीन गुरुद्वारे की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत, सात लोग घायल। यूपी के फतेहपुर में ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को कुचला, हादसे में तीनों की मौत। बिहार में सीवान में बंदरों के आतंक से नाराज गांव वालों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। दिल्ली के जामिया नगर में फायरिंग और बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट। हैदराबाद में पहली मंजिल से गिरी बच्चे की मदद के लिए आगे आए पड़ोसी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक युवक ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर की हत्या। और हत्या के बाद युवक पत्नी का कटा हुआ सिर लेकर पहुंच गया थाने, आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में जीआरपी के जवानों पर नाबालिग बच्चे के शव को उठाने का आरोप। गाजियाबाद के मोदी नगर में पीएनबी शाखा से चोरों ने बोला धावा, करोड़ों की चोरी का अनुमान। यूपी के कासगंज में मोबाइल चोरी करते पुलिस वाला कैमरे में कैद। बांद्रा जयपुर अरावली एक्सप्रेस में टांट्री का कर्मचारी पर लगा महिला के इसके साथ रेप का आरोप। हरियाणा के रोहतक में मामूली विवाद के बाद एक युवक पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से दो इमिग्रेशन ऑफिसर्स गिरफ्तार, चार लोग हिरासत में लिए गए। इमिग्रेशन ऑफिसर्स पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए मानव तस्करी करने वाले गिरोह की मदद करने का आरोप। मुंबई में एक हफ्ते के अंदर करीब 60 करोड़ की कोकेन जब्त, दो विदेशी तस्कर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पंढरपुर में दो महिलाएं बच्चियों को छोड़कर फरार, लोगों ने बच्चियों को पहुंचाया अनाथ आश्रम। बिहार के पटना में पेट्रोल पंप के कर्मचारी से बदमाशों ने 18 लाख रुपए लूट लिए। पटना के फुलबारी शरीफ में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स से 1,04,000 रुपए लूटकर हो गए फरार। बिहार के हाजीपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले पांच लोग हिरासत में, अहम दस्तावेज बरामद। बिहार के भागलपुर में बदमाशों ने एक युवक की पीट पीट कर दी हत्या। झुंझुनू में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में मारपीट, एक शख्स की गंभीर रूप में जख्मी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहला जत्था अल्मोड़ा से अगले पड़ाव धाराचूल के लिए रवाना। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एयर शो फेस्टिवल की शुरुआत, जवानों ने दिखाए करतब। एक हफ्ते तक चलने वाले एयर शो का लुत्फ उठाने के लिए लोग दूर दूर से शिमला पहुंच रहे हैं। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए मुस्लिम वर्ग की महिलाओं ने किया योग। नालंदा में तालाब खुदाई के दौरान मिली अष्टधातु की मूर्ति की पूजा के लिए उमड़े गांव वाले। ग्रीस के कई इलाकों में भूकंप ने मचाई भारी तबाही, भूकंप की वजह से एक महिला की मौत, 10 लोग घायल। चीन के ग्वांगडोंग में मेबुक तूफान ने दी दस्तक, सैलानियों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी। रूस में विपक्ष के समर्थकों ने सड़कों पर आकर पुतिन सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री को फोन कर बताया कि जनता के विरोध के चलते वो ब्रिटेन का दौरा नहीं करना चाहते। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का संकल्प लेते हुए ट्रंप ने कहा कि वो आतंकवाद को फंडिंग करने वालों को रोक रहे हैं। केट मिडलटन ने लंदन के अस्पताल का अचानक दौरा कर आतंकी हमले से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में नौगेरा के मृतकों की याद में म्यूजियम दोबारा शुरू किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान की तरफ से शानदार प्रदर्शन करने वाले कैप्टन सरफराज अहमद मैन ऑफ द मैच चुने गए। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला 14 जून को इंग्लैंड से होगा। इंग्लैंड में भारतीय उच्चायोग ने टीम इंडिया को लॉर्ड्स में पार्टी दी। एशिया कप क्वालिफाइंग दौर के फुटबॉल मैच में भारतीय टीम की किर्गिस्तान से होगी भिड़ंत। 10वां फ्रेंच ओपन खिताब जीतने के बाद राफेल नडाल विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचे। टेनिस की एटीपी रैंकिंग में एंडी मरे और एंजेलिका कर्बर टॉप पर बरकरार। टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला मुक्केबाजी में वेट कैटेगरी बढ़ाने और पुरुष वर्ग से 2 वेट कैटेगरी घटाने पर विचार। पोप पत्रिका ने शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार को सबसे ज्यादा कमाई वाले सेलिब्रिटीज में शामिल किया। अनुष्का शर्मा ने अपनी आने वाली हॉरर फिल्म पूरी परी का फर्स्ट लुक किया जारी। अलग हो चुके अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा परिवार के साथ मुंबई में एक रेस्टोरेंट में नजर आए। कैटरीना कैफ ने फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग की तस्वीरें की शेयर।
शाहरुख की फिल्म देवदास के 15 साल पूरे होने पर 12 जुलाई को 3D वर्जन लॉन्च किया जाएगा। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को चाइल्ड लेबर के रूप में इस्तेमाल न करने की है अपील। अजय देवगन की आने वाली फिल्म बादशाहों का पोस्टर जारी। हाथिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी बिकने वाली फोटोज की शेयर। श्रद्धा की फिल्म हसीना का नाम बदलकर हसीना पार्कर कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में जरूरी होगा शादियों का रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शादी के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने की तैयारी में। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में होशंगाबाद सीहोर विदिशा में 3 किसानों ने आत्महत्या की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मंदसौर जा सकते हैं। मंदसौर जा रहे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को नीमच के नया गांव में किया गया गिरफ्तार। आज मंदसौर जा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बीच में रोका जाएगा। मध्य प्रदेश में केरेरा की कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक पर किसानों को भड़काने का केस दर्ज किया गया। लालू प्रसाद यादव के लिए 5 डॉक्टर्स की टीम और एम्बुलेंस की तैनाती पर बिहार में सियासी घमासान। निजी बसों का लाइसेंस रद्द करने की मांग को लेकर हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम किया। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रदर्शन पर सुरक्षा बलों ने बरसाई लाठियां। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली एनसीआर गुजरात उत्तर प्रदेश बिहार में आत्मघाती हमले की साजिश का अलर्ट किया जारी। पुंछ और मेंढर में पाकिस्तानी गोलाबारी में 1 जवान घायल। मुंबई में घर में मॉडल कृतिका की लाश मिलने के बाद पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला किया दर्ज। पुलिस से घिरे पंजाब के 3 गैंगस्टर्स ने हरियाणा के सिरसा में खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मोबाइल चोरी करते पुलिस वाले कैमरे में कैद। इंग्लैंड में भारतीय उच्चायोग ने टीम इंडिया को लॉर्ड्स में दी पार्टी। फोर्ब्स पत्रिका ने शाहरुख खान सलमान खान अक्षय कुमार को सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली सेलिब्रिटीज में किया शामिल। गुजरात के छोटा उदयपुर में अखिलेश यादव की फोटो वाले स्कूल बैग मिलने से हड़कंप। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में नोगेरा के मृतकों की याद में म्यूजियम दोबारा शुरू किया गया। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपनी आने वाली फिल्म पल का फर्स्ट लुक किया जारी। कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में 3 अजगर ने 56 बच्चों को दिया जन्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया में आपके साथ पायल भुयान। इस वक्त एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आज होशंगाबाद के बाद विदिशा में एक और किसान ने खुदकुशी कर ली है। विदिशा में हरि सिंह नेम के किसान ने जहर खाकर जान दे दी है और इससे पहले होशंगाबाद में माखनलाल नाम के एक किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 3 किसानों ने मौत को गले लगाया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता भोपाल से मनोज शर्मा जुड़ रहे हैं। मनोज, 24 घंटों में 3 किसानों ने मौत को गले लगाया, वजह क्या रही? तो सरकार से अभी जो सरकार अभी कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई, कैबिनेट होने के बाद जब सरकार की जो ब्रीफिंग हो रही है उसमें जो जनसंपर्क मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनसे जब पूछा कि 3 किसानों ने 24 घंटे में खुदकुशी कर ली है, उनका कहना था कि आपने जानकारी दी है, हम पता करते हैं, दुखद है। मतलब सरकार कितनी संवेदनशील है आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 24 घंटे में भोपाल से 100 किलोमीटर के दायरे में 3 किसान खुदकुशी कर रहे हैं और सरकार पता लगा रही है। बिल्कुल, सरकार पता चल लगा रही है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे पूरी सरकार जो है वो किसानों के लिए उपवास रखा था। किसान जिनके जो मारे गए थे उनके परिजनों ने कहा कि आप उपवास तोड़ दीजिए और उसके बाद उपवास तोड़ा गया और कहा कि मेरी सरकार किसानों के लिए काम करती रही है, काम करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ किसान खुदकुशी कर रहा है तो दूसरी तरफ पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों पर सियासत भी जारी है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मंदसौर जा रहे हैं। शिवराज वहां मृत किसानों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, जबकि कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ही मंदसौर जा रहे हैं।
जहां वो मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन को रोकने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपवास भी किया था। किसानों का आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये देश के दूसरे राज्यों में फैलता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में भले ही यह आंदोलन थम गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन पर सियासत जारी है। वहीं हरियाणा में आज से किसानों ने आंदोलन अपना शुरू करने की धमकी दी है, जबकि राजस्थान में 15 जून से किसानों ने आंदोलन की धमकी दे रखी है। उधर पंजाब में भी कर्ज माफी पर अमरिंदर सरकार को आंदोलन का अल्टीमेटम किसानों की तरफ से दे दिया गया है।